तो भावना खा रही है मोमो, कैसे हो रहे हैं? बहुत टेस्टी। आज मेरा फास्ट फेस्ट है, मेरे को ज्यादा ही चिढ़ा रही है, बोल रही है बहुत यम्मी हो रहे हैं। कहाँ है रोस्टेड? आ रहा है। इतना खा देगी तू? तो मैंने सिर्फ एक फ्रूटी पी थी, इसमें भी पी ली मतलब। तो भावना का रोस्टेड भी आ गया यहाँ पे, पता नहीं कितना खाती है। और लोग भी यहाँ पे आ रखे हैं। मोमो वाली चटनी लाती हूँ। इसने रोस्टेड भी पूरा खा दिया है और मोमो भी खा दिए हैं। काफी यम्मी हो रहा है बोल दिए ये। मसाला ज्यादा डाला है? चाट मसाला इसके साथ खाना फिर मोमो की चटनी। तो इसने दोनों प्लेट खाली कर दी है, पे बस एक पीस बचा है, इसको भी खाली देगी बचाएगी तो भी। अभी धूप लग गई है पर बिंदु तो हमारे चले गए, अब हमें जाना है पिता की गाड़ी में। हम लेट हो गए हैं, भावना का काम ही नहीं हुआ था क्योंकि उनसे सवारी बोलने पे चलो चलो करके तो वो चले गए हैं, हमारे सिलेंडर उनकी गाड़ी में है। तो हम पहुंच गए गणेश चौक, तो यहाँ पे होगी ठाकुर दा की गाड़ी शायद, तो अब हम उसमें जाएंगे। ये तो है, तो अभी थोड़ी देर में हम बैठेंगे गाड़ी में। ठाकुर दा की गाड़ी में जा रहे हैं आप? लेते हो नहीं बुकिंग में? तो हम उतर गए यहाँ पे ठाकुर दा के बैंड में, तो यहाँ से हमें जाना है पैदल। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से पैदल पैदल। ठाकुर दा बाय 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 बोलने में भी इतना टाइम लग रहा है ठाकुर दा को यहाँ पे। क्या आर्मी रिटायर में है ठाकुर दा? ठाकुर दा आर्मी रिटायर। टेप ले तो खुद है ना पास। आज मानो ताकत नहीं आज। क्यों नीचे और भावना है चप कमर और खाली भोंक रहा है जैसे हमारे सामने बट्टे कर चक्कू को निकले लाल करके जो होगा देख ही जाएगी। बाप रे इतना गर्म क्यों रहा है? मड्डू कितना मड्डू हो रहा है? हमारी पर्सनालिटी कहाँ है? तुम्हारी पर्सनालिटी आ गया है काटने वाला। हूँ कर रही है पीछे से इतने बंकरे थे ना देखते हैं पीछे अपनी गली में स्पेशली ऐसे कुत्ते तो फोन में भी भौंकते हैं। तो हम पहुंच गए यहाँ पे पानी के धारे पे। बोतल नहीं लेके आई तू? हाँ, भी नहीं है। मेरा मुंह इतना काला काला हो गया इतने दिन भर मेरे को आज चलाने में ही रखा है धूप में। मैं देखो हाथ से चला रही थी जो तुम इससे भूल ली है। हाथ से ही तो चला रही थी। भावना भी करने वाली है कॉमेडी। अब मेरी गाय खाने खा के क्या क्या आया वो बता पहले।
रोस्टेड मोमो और रोटी कॉर्न कॉर्न और कुछ खाया था मैंने मैंने दो लोगों के दो कॉर्न खाए कान दो कान खा गया ये मैं पिनाल के पास में पान पीती हूँ कहूँ पिनाल पास छोड़ के जाऊंगी तो ये लेके आ गई है पिनाल पास की गरी गरीब आदमी में गरीब है चल भी गया होगा ना यार तो अब ये पी लिया पानी मेरे भी लेके आना यार मेरे लिए भी देखा पहाड़ की लड़कियां कैसे भी पानी पी देती हैं कैसे भी कुछ भी खा देती है चल जल्दी पी तो दोस्तों हमने पानी पी दिया है तो अब हम जा रहे हैं घर को अभी मेरा पैर मुड़ गया था पूरा फिसलन फिसलन हो रहा है तो रास्ता भी अजीब सा हो रहा है इसकी काम की वजह से हम परवींद की गाड़ी में नहीं जा पाए आज तो रास्ते में यहाँ पे काफी घास हो रही थी आजकल काट दी है क्योंकि सुबह सुबह जब कभी हम यहाँ से पैदल आते हैं तो पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं रात की बारिश की वजह से जो है ओस कुनन तो यहाँ पर साफ कर रहा आजकल उन्हें ना तो भाव ना सामान लाते लाते गिर गई है यहाँ पे तो ये घास बहुत फिसलती है ये वाली घास बहुत ज्यादा फिसलती है इसमें शूज वगैरह भी ज्यादा ही फिसलते हैं ये ऐसे स्लिप मार रहे हैं तो अभी हम है चमखेत में और यहाँ पे खूबसूरत धान की खेती हो रही है हमारे चमखेत में चमक रहा है खेत पूरा हमारा भावना जल्दी हो यार अमरूद नहीं रही है हाल अरे नना नन्ने रोने लगा तो यहाँ पे अमरूद का पेड़ अभी छोटे छोटे हो रहे हैं हमने तो खा भी दिए वैसे बट यहाँ पे अभी छोटे ही हो रहे हैं तो हम पहुँच गए चमखेत और यहाँ पे ऊपर पे जो हट पोस्ट हुई है सब भावना बराबर है कितनी भूतकार हूँ मैं किसी को बहू चाहिए होगी तो कमेंट मारना मैं आ जाऊंगी ये क्या बोलती है बता नहीं तो यहाँ पे काफी अच्छे ध्यान हो रहे हैं तो हम पहुंच गया भावना और मैं पलमोल और भावना के लिए नक्श के लिए मतलब भावना कुरकुरा लेके आई है जो उसने दे दिया है नक्श को नक्श आधे रास्ते आया था भावना दीदी क्या लेके आई है ना नक्श तो हम पहुंच गए घर बाय बाय भावना अम्मा तो मेरी अम्मा चले गई है घूमने क्योंकि 4:30 हो गया है तो मिलते हैं बाद में बाय बाय मैं भी घर पहुंच गई हूँ तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और कालू पीछे पीछे आ रहा है कि क्या लेके आई हूँ मैं कुछ नहीं लेके आई हूँ